बढ़ रहा है। शिवाजी, बाजी रहो भाई, इन सभी को मिलाकर अब तक गुलामी के लिए, हाँ वही आपने जिन लोगों को पनाह दिया उनकी तादाद 3000 से ज्यादा है। हमें भी थैंक यू सर, थैंक यू। इनकी पोजीशन क्या है इन्हें बता दो। ठीक है सर, देखो आप सभी इस देश में जबरदस्ती घुस आए हैं, कानूनी तौर पर सबको वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन बाजी राव जी आप सब पर मेहरबान हैं, इसलिए हम देखकर भी अनदेखा कर देंगे। चुपचाप उन कागजों पर अंगूठा लगा दो, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। ए चलो चलो आगे चलो, जल्दी करो जल्दी करो। कोरे कागज पर दस्तखत करवा रहे हो? ये धोखा है, हमें पता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, यहाँ नहीं हम कहीं और जाकर काम कर लेंगे, पर साइन नहीं करेंगे। देख लिया, जो जवाब देता है वो नहीं मरता, उसके पीछे जो रहता है वो मरता है। इस शिप में से सामान उतारना और चढ़ाना मेरा लीगल काम है, उसके पीछे हो रहा काला धंधा मेरी दुनिया है, उसी ने मुझे आज मांडवा पोर्ट पर राज करने लायक बनाया। स्मगल गुड शिप के किनारे पर आने के बाद उतारना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आलतू फालतू गधों को पालना पड़ा है, और तुम लोगों का काम है वो सामान शिप में से किनारे पर ले आना, यही है तुम्हारा असली काम। इल्लीगल बिजनेस है इसलिए अलग अलग गैंग भी होंगे, माल के लिए वो अटैक भी कर सकते हैं, उन सब लोगों से डर कर या पुलिस से डर कर वहां माल छोड़कर नहीं आना। अगर तुम लोग खाली हाथ वापस आए तो उधर तुम्हारे परिवार की जान खतरे में हो। तुमको क्या लगता है वो अभी तक जिंदा होगा? वो मर गया होगा यार। लो मेरे 800 रुपए लगे। मेरा 1000 रुपया और मेरा 1200। मेरे 1500 रुपए। इतनी देर में तो पानी में कोई भी आदमी मर जाएगा। मेरा 1600 रुपया। इसके ऊपर कोई बोली लगाएगा? मैं शर्त लगाता हूँ वो जरूर जिंदा होगा। मेरे 2000 रुपए। खींचो उसे। था ये नहीं मरेगा, इसकी बॉडी है बॉक्स ऑफिस। शिप में से सामान उतारा गया और जब मैं यहाँ आया तब तक सामान गायब हो गया। बीच समंदर में सामान कहाँ गायब हो गया? शार्क मछली, शर्त लगाते हैं अगर हम इसे समंदर में छोड़ते हैं तो ये शार्क मछली पहले इसकी मुंडी खाएगी या बॉडी? बॉडी बहुत नरम होती है ना, देखना पहले वही खाएगी। अबे ओ घोंचू, अगर उस शार्क के पास दिमाग होगा ना तो वो सबसे पहले इसकी मुंडी खाएगी, देखना। अरे छोड़ो इसे छोड़ो, बोल रहा है शायद, कुछ बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, बोल 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 बोलो। अभी छोड़ेगा तो तेरी ही टांग तोड़ूंगा, और अगर देर कर दी तो इन कुत्तों की भी टांगे तोड़ूंगा। खून की खुशबू से शार्क का दिमाग खराब हो जाता है। हा हा,
तो शार्क मछली ने उसके पूरे शरीर को चबा लिया होगा, पर ये रस्सी ऊपर नहीं आई है। बंदे पड़े हैं यार, जल्दी खोलना, तकलीफ हो रही है। भद्रा, पानी चाहिए क्या? थैंक्स चाचा जी, कैसे हैं? ठीक है ना? अरे मेरी बात छोड़ो, मैंने सुना तुम्हें किसी ने पकड़ा था। हाँ, शिवा ने छुड़वाया था। मामूली शिवाजी नहीं है ये, छत्रपति शिवाजी है। घाव गहरा तो नहीं है बेटा? अरे घाव की छोड़ो चाचा, शिवाजी को शार्क के मुँह में फेंक दिया था। शार्क मछली वो टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है, तुम लोग कैसे बचे? अरे वो ये चलट बे, मेरा आइटम है। वो मर्द मछली नहीं थी, औरत मछली थी। तो क्या कुछ नहीं करेगी क्या वो? अरे होना क्या था, उसकी साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा था, संभाल रही थी, गिर रहा था, संभाल रही थी, वो संभालते संभालते ही ढेर हो गई। शार्क की साड़ी फिसल गई क्या? हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? संभाल ले, समुद्र के मछली बहुत डेंजर है। हलकट साला, चले ना कूदे कहीं का। अंजू, अभी तक स्कूल नहीं गई तू? मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी, न जाने कितने लोगों की नजर लगी होगी। रुको, मैं नजर उतारती हूँ। हाँ हाँ, मेरे जैसे बहादुर के लिए बहुत जरूरी है। बचकर आने वालों की नहीं बल्कि बचाकर लाने वालों की नजर उतारी जाती है। चलो हटो, अपने हाथ बांधो। ये था इसलिए हम बहादुर ही नहीं दिखाए, और क्या? सगे भाई को तो पूछ नहीं रही है, तुम्हें क्या पूछेगी? हाँ सही बोल रहा है यार तू। ये क्या भैया, ऐसे क्या कहते हो? तुम्हारी जगह भला कोई और ले सकता है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब स्कूल की फीस भरनी है, रेडी रखना। ए चाचा, एक स्ट्रांग टी बनाओ। बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। शिवाजी को स्पेशल टी, बाकी सबको चालू चाय देना। इसका ऐसा प्रमोशन हो गया है कि इसके लिए स्पेशल टी हमारे लिए पानी कम चाय बनेगी। चाचा,
खाने पीने का इंतजाम हो सका क्या? कुछ भी नहीं बचा है बेटा, जो कुछ भी बचता है खाकर खत्म कर देता है। खाकर खत्म कर देता है, ऐसे कह रहे हैं जैसे 10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाता हूँ। मैंने पूरी और दो डोसा माँ के लिए पार्सल बांध लिए, 4 वड़ा और 1 समोसा बचा है। कब से कुत्ते को बुला रहा था खाने के लिए, वो तो नाटक कर रहा है, तुम ही खा लो, मैं भी आता हूँ। इतनी जल्दी जा रहा है? टाइम बोलो तो टाइम, सुबह 6 से 9 तक पांडू काट करके ड्यूटी, 9 से 12 तक तुम्हारी ड्यूटी, 12 से 3 तक गैप, माँ को भी देखना पड़ता है, 3 बजे से तुम्हारे पास आऊंगा, रात को फिर काट करके ड्यूटी। अबे तू गवर्नमेंट ऑफिसर है क्या? तुम जो पगार देते हो उसमें यही काफी है समझे, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो नौकरी छोड़ दूंगा। अरे इसके जैसी हिम्मत हम में होती तो कब के सेटल हो गए होते। माँ माँ बाहर क्यों आई हो? मैंने कितनी बार कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, घर के अंदर रहा करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। मैं बाहर कहाँ आई बेटा, आंगन में ही तो हूँ ना। तुम्हें क्या पता कि ये घर है और वो सड़क, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, बैठो। शिवा, माँ और भाई के बारे में कुछ पता चला बेटा? तेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी बेटा, हौसला रख बेटा, एक दिन वो जरूर मिलेंगे। पांडू, बिहार से भैया ने फोन किया। हाँ। इस साल इलेक्शन में रामराव कदम की बजाय पार्टी का टिकट मुझे देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। 2-3 महीने के लिए हमारा इलीगल काम बाहर नहीं आना चाहिए पांडू, कुछ दिन इन धंधों से मेरा ताल्लुक नहीं, समझा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, फिर दरवाजा बंद कर दो, देखने वालों को बाहरी ऑफिस दिखना चाहिए। नमस्ते भाई। इन लोगों को हर छोटी बात के लिए मत बुलाना। ठीक है भाई, अपने बच्चे हैं सबको मालूम हो जाएगा। सुना है शार्क मछली से लड़ा है तू? कुछ बोल के नहीं रह रहे, सामान वहां छोड़ देता तो इधर मारा जाता ना। उधर क्या देख रही है, चल दबा। 12 साल से यही मिल रहा है, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। वो किस लिए? मेरी बहन बड़ी हो गई है क्या? नहीं। अरे थक तेरी की। ठीक है, जब बड़ी हो जाए ना तो बता देना, मैं आऊंगा और जितना मांगेगा दे दूंगा। परसों मैंने देखा था उसे, कल ही गुलाब बनने जा रही है। ये क्या हो रहा है रे? चेहरा लाल हो रहा है, आंखों में गुस्सा उतर रहा है, तेरे मौत का टाइम आ गया क्या रे? ए शिवाजी, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है? हाँ चल चल, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से, जा तू। अरे क्या करवाएगा हमारे बीच में, चले जा, चले पकड़ तू, चल जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, और जाओ कह रहा हूँ ना। पानी की मछली समझा क्या रे? काट कर को काट कर हूँ, कर कर मरोड़ कर हड्डी तोड़ देता हूँ। तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ पर उसकी आंखों में डर नहीं था, मेरी नजर में तो मत ऐसा ही होना चाहिए। क्यों रे, अपनी जिंदगी के बारे में जानने के बाद भी तुम लोग उनसे पंगा ले रहे थे, और तू तू अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है, मुट्ठी बंद करके उसे मारने चला था। अरे वो लोग चाहे ना तो 1 मिनट में हम सबको खत्म कर सकते हैं, समझता है तू? बिना सोचे समझे हम कुछ नहीं कर सकते। तेरी बहन हमारी बहन नहीं है क्या? ये रख। वो कुछ भी कहे हम चुप रहेंगे क्या? कैसे हिजड़ों की जिंदगी जी रहे हैं हम? तू चुप रहे, हिजड़े की हो चाहे जैसी भी हो, हम सब लोगों को मुंह बंद करके जीना होगा समझे। चाहे कितने भी दिन हो, श्रीलंका से अपनी जान हथेली पे रख के मरने के लिए आए थे। चलो रे, चलना। मैंने समाज सेवा करने के लिए ही राजनीति में कदम रखा, मुझे किसी पद की आशा नहीं। मैं MLA बना, जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा, और अब मिनिस्टर बन गया हूँ। मैं बहुत अनुभव ले चुका हूँ, और अब मुझे क्या चाहिए आप जानते हैं। आज दिल्ली से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय इंचार्ज जाफर खान जी आए हैं,
ये बोले रामराव कदम, इस बार भी आप इलेक्शन में खड़े होकर अपने पार्टी को विजयी बनाओ, ऐसा उन्होंने मुझे आदेश दिया। मैं रामराव कदम जिंदाबाद, रामराव कदम। सर, इस बार बाजीराव जैसे नए व्यक्ति को शासन करने के लिए आप आज्ञा देंगे। फिर भी मेरा फुल सपोर्ट है। जिस तरह पार्टी के अधिकारी के निर्णय को सर आंखों पर रखकर मैं काम करता हूँ। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आपके रहते किसी और को टिकट कैसे दे सकते हैं? समुद्र बगैर मुंबई कैसी, आपके बिना पार्टी कैसी? राम राम कदम। आप चुप रहिए, ऐसे किसी को भी टिकट देने के लिए कह रहे हैं आप? कौन है वो बाजीराव? क्या किया उसने पार्टी के लिए, मुझे बताइए। आप जैसे उसने पार्टी की सेवा की है, कौन है ये बाजीराव? ऊपर से ये मुंबई कर भी नहीं है, इसको टिकट कैसे मिल सकता है? इसको यहाँ के बारे में क्या मालूम है? ये तो बिहार से आया है, इसको टिकट देने का मतलब छी छी, अपने आप को जूते मारना होगा। रामराव कदम जिंदाबाद। अरे ये क्या बाजीराव, वो तो बुजुर्ग है, जोश में आकर ऐसा कह दिया होगा। अगर वही बात मैं भी कहूंगा तो मुझे भी मारोगे? तुझे भी मारूंगा। ये क्या है, पार्टी मीटिंग है या जानवरों का बाजार? तुमने मंत्री जी को क्यों मारा? अब तुमने पार्टी इंचार्ज के सामने हमें मारा ना, और अब अगर जाफर सर ने हमसे ये पूछा कि बता ऐसे लुच्चे लफंगे को तुम सीट रिकमेंड कर रहे थे, तो क्या तुम इन्हें भी मारोगे? मारोगे क्या? कोई भी हो मुझे इससे क्या। इसने तो सर को भी मार दिया। गुंडागर्दी और राजनीति एक जैसी नहीं है। ये क्या कर दिया तुमने यार? सर सर जाने दीजिए, बच्चा है, अभी खून गरम है, गुस्से में हाथ उठा दिया। अरे चुप, क्या कह रहे हैं आप? वो मारे और मैं चुप रहूं क्या? दिखाता हूं मैं अपना पावर। पार्टी का टिकट क्या, पार्टी का झंडा भी नहीं पकड़ने दूंगा। खत्म, तेरी लाइफ ही खत्म। दिल्ली में बोलूंगा, तू यहां मुंबई में मरेगा। खत्म करेगा मुझे। भैया मैं बाजीराव बोल रहा हूँ, वो कभी ना जाफर मुझे पार्टी का टिकट नहीं देगा। वो फैमिली के साथ ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, बिहार पार नहीं होना चाहिए। फोटो भेजा है, देख लेना। प्रिंट गलत है, मारने वाले लुटेरे नहीं बल्कि मेरा भाई राज बिहारी है। फोटो लेकर पेपर में छाप लो, पोस्ट दूंगा कहा था भाई ने। लेकिन पैंट गीली होगी प्रेस वालों की, इसलिए प्रिंट बदल दिया। मिनिस्टर साहब आपने सही कहा था, राजनीति और गुंडागर्दी एक नहीं है। मुझे जो चाहिए उस बारे में जरा एक बार तो सोचो, चाहिए तो पैसे डबल दे दूंगा। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो तो, एक बार प्लीज। नीलू बाय। ओके कलेक्टर के ऑफिस चलो। ए क्या रे, मरेगा क्या? ए ए ए चल तू, ए तू नहीं चल बे। कोई भी लड़की इसके लिए हाँ नहीं कहेगी। अच्छा, ऐसा चांस मिलने के बाद ना कहने वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बड़ी घटिया बात कर रहे हो तुम। उतनी घटिया बात नहीं है, 10 लोगों के सामने मांगोगी तो इज्जत जाएगी, इसलिए ड्रामा कर रही थी ना। यहाँ गला फड़ फड़ के कितना भी चिल्लाएगी तो कोई नहीं सुनेगा। चल अब बता दे कितना लेगी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो बिना पैसे के कर दे। थोड़ा कॉपरेट कर, तू चाहेगी तो 5 मिनट में हो जाएगा। मेरी बात को समझ, वैसे कल भी चलेगा। कल
अरे हर चीज के लिए मुंह खोल रही है। ठीक है परसों करके देना। परसों? तुम्हारे ऑफिस के अफसरों ने 12 साल कुत्ते की तरह पीछे पीछे घुमाया पर कोई फायदा नहीं। सोचा तुम अच्छी लड़की हो इसलिए मेरी प्रॉब्लम समझोगी। 15 दिन हो गए एप्लीकेशन देके लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब तुमने जो दिया एप्लीकेशन था क्या? क्या कहा? यानी तुमने उसे खोला भी नहीं? सॉरी कितना चाहिए कहकर पूछ रहे थे तो मुझे। तुमने क्या समझ लिया? मैं कुछ और ही समझी थी। एप्लीकेशन में क्या था? हफ्ते भर से आपके एप्लीकेशन पर ही काम चल रहा है। बैठो। श्रीलंका से आए सभी लोगों में से राजलक्ष्मी नाम के बहुत से लोग हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। कलेक्टर ऑफिस से उस नाम की सभी फाइल्स की डिटेल्स मंगवाई है। इनमें से तुम्हारी माँ कौन है देखो। ये मेरी माँ है। एड्रेस देखिए ना। इसमें प्रेजेंट एड्रेस नहीं है। डेफिनेटली वो इंडिया में ही है। ये फोटो मैं ले सकता हूँ? अंजू क्यों रो रही हो तुम? बस मैं किसी ने पीछे से इसे घर ले जा। ए, कौन है रे? हमारी बहन पर स्याही किसने डाली? तेरा आए रे। तेरी माँ की? कौन है सामने आ। छोटी सी गलती होगी भाई। क्या गलती हो? बस थोड़ा सा मजाक ही किया था भाई, बस थोड़ा सा। माँ की फोटो कहीं गिर गई। क्या माँ का फोटो कहाँ गिरा दिया? ए रुक मैं बस से देखता हूँ। हटो। क्या हुआ? पूरी बस छान मारी यार पर फोटो नहीं मिली। मेरा तो नसीब ही खराब है। माँ मिली और मिलते ही खो गई। छी छी ऐसा मत बोल, फोटो घूमी है ना, माँ जरूर मिलेगी। चल रोमर। ये तेरी माँ नहीं मेरी माँ है, सिर्फ मेरे अकेले की माँ, अनाथ कहेगा। समर्पयामि जलम समर्पयामि पिंड समर्पयामि अस्य कमारस्य उत्तम प्राप्त अस्तु। माँ अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए।
काशी से गंगाजल मंगवाया है, इसे अपने घर में रखोगी तो तुम्हारे मृत बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। ये क्या बेटा, बाल क्यों निकाल दिए? आज के ही दिन भैया का निधन हुआ था ना, भाई तो पिता समान है, इसीलिए मैंने सर मुड़वा लिया। तुम्हारे भैया के लिए गंगाजल मंगवाया था, संभाल के। तू मर गया है ऐसा कहने पर भी 12 साल से मैं तुझ कमीने को माँ के दिल से नहीं निकाल पाया, लेकिन इस बार तुझे मरने से पहले मैं तुम दोनों के बीच के बंधन को तोड़ूंगा, फिर तुझे मारूंगा, दोनों को मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। देखना तेरी आइटम आ गई। हाँ आइए आइए। हाय, चलो। ये लड़की कौन है? कलेक्टर ऑफिस में काम करती है चाचा, शिवा की दोस्त है। नमस्ते अंकल। हमारा भाई बहुत सीरियस है, तुम्हें थोड़ा ठंडे दिमाग से बात करनी होगी। चाचा जब तक ये दोनों बातें करते हैं आप होटल बंद करने की तैयारी करो। चुप कर। अरे नहीं, मैं उसके लिए नहीं आई थी। यहाँ लक्ष्मी बाई कौन है? मेरी माँ। क्यों, क्या हुआ बेटी? दुबई से उनके भाई साहब इन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। राजू बहुत नसीब वाला है, बचपन से ही उसने बहुत कष्ट झेले हैं, अब उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ ये हमें लेने आई हैं, नमस्ते करो। नमस्ते बेटी। नहीं नहीं, यहाँ मेरे लिए जान देने वाला मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं इसकी कमाई पे जी रही थी। ये खबर सुना के तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, वो तो मेरा फर्ज था, कल ही आपको जाना है, तैयार रहिएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या पांडू काट कर मानेगा? कभी नहीं, यहीं रहो और उसकी गुलामी करो और ऐसे ही मर जाओ। हमारी किस्मत में जो कुछ लिखा है उसे कौन बदल सकता है? काटकर को मैं मनाऊंगा। सच में? सच कह रहे हो, तुम मनाओगे उसे? वादा करो। कसमें टूट सकती हैं लेकिन शिवाजी का वादा नहीं, मैं उसे मनाऊंगा माँ। वो मेरे पैर दबाता है और आराम से दबाता है, वो चला जाएगा तो ये सब काम कौन करेगा रे? क्या रे, तू करेगा? तू तू क्या रे, तू करेगा? क्या बात है, अच्छा दबा रहा है मछली लड़का। ऊपर तो अच्छे से दबा रहा है लेकिन पैरों का क्या होगा? तुझमें तो बहुत अच्छी पकड़ है रे, औरत के रूप में पैदा होता तो हमेशा के लिए रख लेता। वो जा सकता है और तू भी जा। हे विश्व सुंदरी, कठिन तपस्या के बाद कश्यप गोत्र में जन्म लेने वाला ये ड्रामा स्वामी तुम्हारा चरण वंदन करता है। ये क्या है? प्रेम लेटर। मुझे? हाँ, ड्रामा ड्रामा, आपके लिए नहीं, नीलू के लिए। बिन ब्याहे लड़की को प्रेम पत्र लिखना संस्कार में नहीं है, इसीलिए पहले आप पढ़ लीजिए, पसंद आएगा तो नीलू को दे दीजिएगा। So sweet. पसंद नहीं आएगा तो फाड़ देना। मैं जरूर उसे ये दूंगी। अरे,
क्या कहा? फाड़ के मुंह पर फेंक। इतनी बड़ी बात कही, मैंने उसे सच्चा प्यार किया, फिर यह तिरस्कार क्यों? मुझमें कमी क्या है? बोलो रोशनी, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। यू नो मुझे क्या एक्सप्लेनेशन? आई एम सुमो। हे नीलू, वेयर आर यू मैन? हे हे, मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तुम? विल गो आउट एंड विल डू सम यो 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 मैन। तुम्हारे लिए मैं 100 तरह का फूल लाऊंगा और 1000 पंछी लाऊंगा। सुमो टाटा सुमो। नाटक छोड़ो, 50 रुपए दो, मैं ही सेटिंग कर देती हूँ। रिश्वत रिश्वत रिश्वत, बुलाने का रिश्वत, बोलने का रिश्वत, नाम पूछने का रिश्वत, गांव पूछने का रिश्वत, लव करने का रिश्वत, लव लेटर लिखने का रिश्वत। इसीलिए लव फेलर्स में भारत का दुनिया में प्रथम स्थान है। तुम जैसे लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा यह परिकी। हे मैन, गो एंड गेट मैं नीलू। गो 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 गो। हे, ये अपरिचित बोला तो भी तुझे डर नहीं लगता? भाई अपरिचित जी, कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। हे ड्रामाचारी, तूने उसे लव लेटर दिया, उसने तुझे क्या दिया? हे, तेरे लव लेटर के टुकड़े टुकड़े करके उसने तेरे मुंह पर मार दिया। हे सुमो, मेरे रास्ते में तू मत आना, एक एक का काम तमाम कर दूंगा मैं। अरे ड्रामाचारी, तुझे तो मैं क्या है, तू छाती पे मारता है। अरे सुमो, वेयर आर यू किकिंग मैन? ड्रामाचारी मर गया, सुमो मर गया, अब तुझे इस अपरिचित से कौन बचाएगा रे? पीछे घूम गई तो क्या हुआ, इस अपरिचित से तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। अच्छा बेटा है। जा रहा हूँ। शिवाजी भैया कहाँ गए? तुम्हारे लिए कपड़े लेने गया है। ठीक है, जाकर आता हूँ। अरे संभल के जाना है। ए राजू, हाथ आगे कर। क्यों चाचा, फिर नहीं मिलूंगा सोचकर दो लगाओगे? तेरे और तेरी माँ के लिए। चलता हूँ चाचा, मेरी दुकान ठीक से देखना। अरे राजू, चेत में बैठ जा। मुझे कल आपने ही तो जाने के लिए कहा था ना। वो तो कल कहा था ना। जाने दो ना, मैं अपनी माँ को मामा के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगा। राजू को छोड़ देगा, उसने झूठ बोला था। सुबह उसने जीप में बैठने के लिए बोला, राजू ने कहा माँ को बस में बैठा कर आता हूँ, फिर भी नहीं छोड़ा उस हरामी ने राजू को। नहीं शिवा, नहीं नहीं शिवा, नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, चल चल, नहीं 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 भाई, नहीं, छोड़ दे रहे उसे, वो अकेला ही चला जाएगा। तूने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम सब की जान चली जाएगी। चल चल यहाँ से। तुझसे कह रहा हूँ, बहरा हो गया क्या? एक लाश नहीं। Yeah!
शिवा को मिला है किसी महान आदमी ने रखा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। सुना पांडू को तुमने मार दिया, देर से सही लेकिन अच्छा काम किया। चाहे जैसे भी तुमने मार दिया, अब उस बाजीराव को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आज से गैर कानूनी काम नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कीजिए। तुम्हारी तरफ से इतनी कमाई हो रही है ये जानते हुए ऐसे कौन तुम्हें फ्री छोड़ देगा। पांडू गया तो बाजीराव, बाजीराव गया तो घासीराव, वो नहीं तो कोई और। मेरे ख्याल से मेरे नीचे काम करना ही अच्छा रहेगा। क्या बोलते हो? क्या रे, एक फालतू टपोरी को मारकर तू अपने आप को लीडर समझता है? तेरे जैसे लेबर लोग को किसी के नीचे जाना ही पड़ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। हेलो, हाँ शुरू हो गया। तुम पुलिस वाले कोई भी उस तरफ मत जाओ। सुनो लीडर, वो बाजीराव तुम्हारे घरों को घेर कर हमला कर रहा है, जाओ दिखाओ तुम क्या चीज हो। आज
से तुम सबकी जिंदगियां बदल चुकी है। गुंडों को सलाम और लीडर को सल्यूट मारना आज से बंद करो। तन पे मार लगे तो छटक कर और कोई मुंह पे थूके तो उधर पहुंच कर आगे बढ़ने वाली जिंदगी को अब बदल डालो। अब तुम्हारा सर झुकेगा तो भगवान के सामने, उन हरामियों के सामने नहीं। गलती होने पर सर झुकाते, गलत लोगों के सामने नहीं। अब से कर्म अपना, फल अपना और सभी एक समान होंगे। अगर ये युद्ध बलि चाहता है तो सबसे आगे मैं रहूंगा। अगर कोई दुख होगा तो तुम्हारी आंखों के आंसू बनूंगा मैं, भूख होगी तो निवाला बनूंगा मैं, और अगर कोई हाथ उठा उसे काटने के लिए तलवार बनूंगा मैं। तेरी माँ ने तुझे खुद के लिए जन्म नहीं दिया है, लोगों के लिए जन्म दिया है बेटा। अब तू शिवाजी नहीं रहा बेटा, गरीबों और लाचारों के लिए जन्म लेने वाला छत्रपति है तू। दे मूछों पर ताव। देखकर लोग छत्रपति छत्रपति कहकर शिवाजी को पुकारने लगे। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे बेटा। हमलों पर हमले हो रहे हैं, पहले पांडुराव पर हमला, फिर माफिया डॉन बाजीराव पर हमला, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? छत्रपति नाम का एक नया लीडर आया है, उनसे आपकी मिली भगत है, लोग ऐसा ही कह रहे हैं। सर जो हुआ सो हुआ, अब बिहार से रास बिहारी आ रहा, अब आप क्या करोगे सर? ने, 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 ने। अरे अरे उसके बाप को भी आने दो, क्या बिगाड़ लेगा सर? ऐसा कह रहे हैं सर, इज दिस, यहाँ मरीज की हालत सीरियस है और आपको न्यूज की पड़ी है। इट इज वेरी इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, प्लीज गो बैक, गो बैक। सभी लोग चले गए, आप उड़ सकते सर। अरे बाप रे, अरे फर्क है रे। ए नायडू, ओ बाजीराव मरा तो हमने सोचा अब आराम से रहेंगे, लेकिन अब पता चला नीचे तो आग चल रही है। लेकिन अब मैं क्या करूं, आगे इस छत्रपति का कदम और पीछे उस राज बिहारी का, कोई भी कुचले कुचले तो हम ही जाएंगे। कमिंग डॉक्टर बिहारी। बिहारी बिहारी नहीं, बिहारी डॉक्टर बिहारी आए हैं। अरे तेरी तो डॉक्टर डॉक्टर, पहले तो तू अपना नाम बदल ले, साउंड सुनते ही ग्राउंड फटता जा रहा है, चल जा। चल जा रहे? सेक्रेटरी, एक महीने तक मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, चाहे मेरी बीवी बच्चे सीएम पीएम कोई भी फोन करे तो मुझे मत देना। इसका मतलब मैं कोमा में हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? छत्रपति, छत्रपति। नमस्ते सर। यस सर, मिनिस्टर सर। वो आपसे मिलने की स्थिति में नहीं है, चार पाई से चार कंधे पे जाने की पोजीशन में है। ऐसा क्या सर? ठीक है सर, ठीक है, आपका टाइम बहुत अच्छा है। क्या कहा? वो ही आपसे मिलने आ रहे हैं। क्या हुआ सर? हम कौन है? मंत्री जी। कोई अपॉइंटमेंट के बगैर मिल सकता है क्या? इसलिए जा रहे हैं। मिनिस्टर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, एलर्जिक राइनेटिज, साइनसाइटिस विद हाई बीपी, डायबिटीज एंड मोलोनोमा कैंसर से बहुत ही तकलीफ है मंत्री जी को। आने वाले अगले 48 आवर्स तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ सपना, मिनिस्टर जी अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। फर्दर प्रोग्रेस के लिए फिर से फोन करूंगी, कैमरामैन कौशिक के साथ रिपोर्टर रोशनी। अब से यहाँ कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स सिंसियरली होना चाहिए, छोटे बच्चों की स्मगलिंग, काले धंधे सभी बंद होने चाहिए। बाप रे, बाप रे, करोड़ों
शायद करोड़ों की संपत्ति को आग लगा देगा ये। आप किस्मत वाले सर, आप भी लीगल है उसे पता नहीं चला शायद। इतना सिंसियर रहेंगे तो फिर हमें क्या बचेगा भाई। इतने दिनों तक बाजीराव और पॉलिटिशियन को हफ्ता दिया करते थे और उस नुकसान को भरने के लिए मेहनत करने वालों का हक मारा करते थे। आज से तुम लोगों को किसी को भी हफ्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फायदा लेने के बाद मजदूर को उसका हक दे दो, सभी सुखी रहोगे। तुम सबको डरा धमका कर जो पैसा बाजीराव ने जमा किया है उसे दुखी लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा। मिनिस्टर जी की ताली बजाने के अंदाज से लगता है कि वो खुश नहीं है। अरे राजनीति है ना, हैंड्स के बीच में कॉपरेशन कम ही रहता है। प्रजा की सेवा की सोचने के बाद हमें क्या बचेगा छत्रपति बाबू। पैरों पर एक धोती, कांधे पर एक रुमाल और हाथ में एक लकड़ी और शहर के चौराहे पर एक सीमेंट की मूर्ति। हाँ इतना ही, इतना ही, इतना इतना, इतना। छत्रपति डेढ़ को मर्डर करके कुर्सी हथिया लिया है रे, लेकिन उसमें बैठ नहीं सकता, तारा से होगा भी नहीं। लेबर का भला चाहे वाला आदमी भाई नहीं बन सकत। अगर वहां बैठे के हा तब बदन पर कोट नहीं, दिमाग में गुस्सा, क्रोध और हरामी पना होवे के चाहे जो तोहरा में नहीं है। तू हमरे भाई के जगह पर जौन कब्जा किए हो ओके हथियावे में हमको चप्पल पहनने जितना टाइम लगेगा पुरब। हमरा के दे रास बिहारी, बिहार का सिंह। गर्दी में तुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, मारना, लेकिन मरना नहीं पता। उसके लिए शेर का जिगर चाहिए, शेर का। डर के जब तू पीछे की तरफ हटा तभी तू आधा मर चुका था, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। चल बे साले चल। अमेरिका में मेरी बेटी को अचार भेजना है और सिर्फ 3 दिन का समय है। 2 तरह का अचार और कुछ मीठा बना देना। ठीक है साहब। ये लीजिए कुछ एडवांस, अब परसों ही आऊंगा, बैलेंस दूंगा और सामान ले जाओ। ठीक है। बेटा बस स्टैंड में पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट लूंगा कहा था, उसका क्या हुआ? मैं ट्राई कर रहा हूँ माँ। परसों 10,000 रुपए आएंगे, जरूरत पड़े तो ले लो। मैं अकेली मेहनत नहीं कर सकती बेटा, अगर तेरी कमाई साथ होती तो। मैं जानता हूँ माँ, अभी मुझे भी बहुत कुछ करना है, मैं करूँगा, लाइफ बदल जाए कुछ ऐसा करूँगा। छेड़ने के लिए नहीं आया था, मरने से पहले उसके पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए आया था। मेरी गलती का पता चलते ही माँ को अटैक आया और वो मर गई। कोई भी हो अपनी माँ के मरने के बाद ही बाल मुंडवाता है, लेकिन मैंने तो बाल मुंडवाने के बाद
माँ को मार दिया। आवारों की तरह घूमता था, नौकरी करके इज्जत और सम्मान से जी, वैसी माँ की ख्वाहिश थी, मैं उसे पूरी न कर सका। इस गंजे ने अपनी माँ की जान ली है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मार डालो मुझे, मार डालो। माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये कैसे रहा, मुझसे माफी मांग रहे हैं? मुझे सही सबक मिला है, अब मेरे लिए मरना ही ठीक है। नहीं, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि तुम अच्छे इंसान बनो। अजय, इसे अपने यहाँ किसी काम पे रख लो। मैं उस छत्रपति के पास काम कर रहा हूँ, अगर तुम स्पॉट लगाओगे तो मैं उसके वीक पॉइंट पर मात देकर उसे अकेला भेजूंगा। क्या तुम उसे मारना चाहते हो या नहीं? हमका चांस मृत काहे न मारम, नरेल के तरह सरों के छिले ही डालम। ए टकला, कुछ ऊपर नीचे बात समझ लिया है? मेरी साइड से क्लियर है, तुम्हारी साइड से कुछ ऊपर नीचे ना हो। ए, तुमरा और उसका बीच संबंध का वही जो उस तरह और बालों का होता है। क्यों मुझे ऐसा इधर नील, व्हाट इज द प्रॉब्लम रे? नो, तू रो नको, तेरे हमेशा हंसते रहना है। क्या करूँ? स्माइल। नंदा, मेरी बचपन से एक ही चाहत है। टेल मी रे। मेरा होने वाला पति मी एक सैडिस्ट होना चाहिए। क्यों, नहीं हो सकता क्या? ठीक है, किसी और को देख लूंगी। नो, ये नंदा के लिए तू कितने चीप बोलती है। आई एम अ बिग सैडिस्ट, यू नो। रियली? या उंगलियों से काटना, उसी एक्सप्रेशन में सुई से चुभाना, सिगरेट से जलाना, आणि असस फिरवून मारायला, ये सब कुछ मुझे बचपन से ही आता है, यू नो। पहले 10 लोगों के सामने प्रूव करो, उसके बाद शादी। रन ये पे। देखो, 2 दिनों में सभी कॉन्ट्रैक्ट हम। Help me please. क्या है? I'll kill you, I'll blend you, I'll cigar you, I'll kill you, I'll back you. I'll kill you, I'll blend you, I'll cigar you. Don't waste time, I want to rape you. Please, come on. No. तेरा हाथ तो छोड़ दे, नहीं तो रक्त की नदियां बहेंगी। छोड़ दिला। हाँ, छोड़ा तो क्या करेगा? अब जेंटली रेप करना ही छोड़ो। मुझे सब लोग शाबाश सैडिस्ट का के पुकारना चाहिए, मेरे सैडिस्ट के लिए दुनिया वाले खुजर पुजर करना चाहिए। कम ऑन खुजर पुजर, इस पागल को जरा ठीक करो। असल में हुआ क्या है? मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। रहने दो, मैं यहीं पर रुक जाऊंगी। नीलू, टाइम इज गोल्ड, आई रेप यू। इस लड़के को ले जाओ यहाँ से। कमान, नको, तुम लोग चारों में नंदा तक काहिस नहीं कर सका, तुम्हारा भी छोड़ना नहीं। नंदा और पुणे, आई विल रेप यू, आई विल ब्लेड यू, आई विल सिगार यू। कमान रे। नीलू। ए अजय, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, चलता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? सर, रुकी सर, आपकी माँ का पता चल गया सर। कहाँ है वो? पनवेल में। ये लीजिए एड्रेस। सर, संभल के सर। चला।
ससुर के नाती मुन्ना भैया, छत्रपति मर गया, ऐसी अच्छी खबर सुना दे। बात क्यों नहीं करते भैया? मुन्ना, हेलो, छत्रपति। क्या हुआ शिवा? इसे हॉस्पिटल ले जाओ। क्या हुआ शिवा? आकाश कहाँ है? कहाँ गया था तू? कहाँ? शिवा! आ मुन्ना, आ, तुझे एक छोटी सी कहानी सुनानी है। मैं एक घर, उस घर में एक माँ, हाँ उस माँ का एक सगा बेटा अशोक, और कुत्ते की तरह पाला हुआ शिवाजी, मेरा भाई। तकदीर मेहरबान हुई और वो कुत्ता छत्रपति बन गया और अशोक आकाश बनकर उसके नीचे काम करने लगा। भाई, कौन है रे तेरा भाई? मेरे बाप से पैदा हुआ तू, माँ ने जन्म नहीं दिया तुझको, बचपन से ही मुझे तुझसे बहुत नफरत थी। मैं तुझे जान से मार देना चाहता था, उसी जलन से मैंने तू मर गया ऐसा माँ से झूठ बोल दिया था। लेकिन तू दूसरी बार न बच पाए इसके लिए मैंने रास बिहारी से हाथ मिलाया था, लेकिन तू फिर बच गया। भाई, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो जो चाहो कर लो, लेकिन माँ का है, एक बार देखने की इच्छा है। माँ चाहिए तुझे? माँ चाहिए कमीने? नहीं छोड़ेगा। He is all right. डॉक्टर ने कहा है वो खतरे से बाहर है। अब माँ यहाँ आने वाली है, उन्हें लगता है कि अशोक को शूट तू नहीं किया है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। तुम लोग जाओ। मेरी बात सुनो। छत्रपति है। लोग जिसे छत्रपति कहते हैं वो तुम ही हो क्या? इसका अर्थ जानते हो तुम? लोगों की भलाई के लिए जो जीता है वो है छत्रपति। तो जैसे गलत काम करने वाले लोग छत्रपति का मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। तेरी माँ है क्या? ये नहीं सोचा कि उसकी भी माँ हो सकती है? मौत की गुण सुनते तुझे एक माँ की ममता की आवाज नहीं सुनाई दी? ये जनता और ये पुलिस तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन ऊपर भगवान है, तेरे पाप ही तेरा सर्वनाश करेंगे। नहीं छोड़ूंगी, इस माँ की बद्दुआ तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, तेरा नाश हो जाएगा। शिवा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। मैंने आपसे पहले ही कहा था माँ जी, आज शाम की ही फ्लाइट में भेजना है, और आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। टाइम पर ना मिला तो बाद में लेकर क्या करें, सर पर रख कर घिसे क्या? नहीं साहब जी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ए, फिजूल की बातें मत करो, शाम को आदमी भेजूंगा, सामान तैयार नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। चलो, एक तो पहले ही पैसे ले लिए, अब चक्कर लगवा रही है बुढ़िया। अच्छा।
अब माँ कैसी है? अब ठीक है। हम सब मिलकर अगर ये काम करें। किस्मत से माँ की सेवा करने का जो मौका मिला है उस खुशी को मैं बांटना नहीं चाहता। ये काम तुम करोगे? तुम कौन हो बेटी और ये सब? मैंने ही किया है। पापड़ बेचते हुए यहाँ तक आई थी, सभी चीजों को बिखरे हुए देखा, कहीं खराब ना हो जाए इसलिए बना दिया। तुम्हारा एहसान मैं कैसे उतारूं? ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ जी। माँ की जिंदगी बदल जानी चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अशोक को जितना पैसा चाहिए उतना देना पड़ेगा। वो मेरे पास से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेगा। फिर क्या करेंगे? अरे ये क्या है, फॉर्मेलिटी नहीं, डिटेल्स नहीं। तुम हॉस्टल बनाना चाहोगी तो क्या तुम्हें परमिशन मिल जाएगी? इस फाइल में कमिश्नर साहब का साइन होना इम्पॉसिबल है। मसूरिया मसूरिया, गाली दे रही हो क्या? नहीं जी, उन्हें कैसे मनाया जाए? माँ मसूरिया, वो क्या है? रिश्वत। वो गला दबा देगा। टेली मसूरिया, वो क्या है? रिकमेंडेशन। गला काट देगा तेरा। धूल मसूरिया, ये क्या है? गुंडागर्दी। वो खुद है गुंडा है, उस पर गुंडागर्दी करोगी? अरे तुम मिनिस्टर के साले हो तो हमें क्या? बाबरे, छोटे बच्चे को डराते हो, ऐसे डरा रहे हो क्या? अरे तेरे जैसे मैंने अपनी सर्विस में बहुत देखे हैं। तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा ही। चल फोन रख, फोन रख बे। अब तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारे बाप का ऑफिस है जो आराम से कुर्सी पर आकर बैठ गए तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सिटी में 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट अशोक को मिलना चाहिए। बाकी कॉन्ट्रैक्टरों को संभाल लेगा छत्रपति। अगर आपको भी ऊपर से कुछ चाहिए वो भी मिल जाएगा। ब्रिज क्वालिटी की श्योरिटी हमारी है, सो अशोक को ही कॉन्ट्रैक्ट मिले साइन कीजिए। वो भी उसी से करवा लेना चाहिए, मैं क्या करूं? ऑफिसर बोले तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं रह गया। बहुत बोल चुके तुम, जाओ। छत्रपति के बारे में पता नहीं है क्या? मेरे बारे में भी तुझे कुछ नहीं पता। सर, आप इस शहर के लिए नए हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता। पांडू काटकर और बाजीराव जैसे बड़े कुंडों को मारकर छत्रपति बना है। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, शहर के सारे लोग इनसे डरते हैं। मैं तो कहता हूँ सर, इनकी सारी बात मान लीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दो। गवर्नमेंट बोले तो सबका नौकर हो गया हूँ मैं, गली का बड़वा भी जब चाहे तब मुझे डरा कर जाता है। और कहाँ? ये यहाँ। और कितने? मेरी जायदाद भी लिख कर दे दूँ इसे। सर एक लास्ट, ये लीजिए सर। सब कुछ ओके। बम है, चौथा कहाँ है? अरे वो कहाँ? एक मिनट सर। पिताजी, सीट आफत है, सीट आफत है ऐसा कहते थे, लेकिन सीट के नीचे बम होगा ऐसा बुड्ढे ने कभी नहीं बताया।
अब मैं कभी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, और थोड़ी देर हो जाती तो मैं तो फट ही जाता ना। तेरी नजरिया। देखो नंदा। महेश नंदा। हाँ ठीक है, ऐसा ही कहूंगा। नीलू छत्रपति से शादी करने जा रही है, वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए तुम भी शादी करके सेटल हो जाओ। छत्रपति नीलू फिक्स जाने। ओके, मैंने जो सैडिज्म किया था उसे याद रखकर नीलू मुझे कभी ना कभी ढूंढते हुए आएगी। आणि त्यानंतर माझा स्टेटस वर 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 राहिला पाहिजे, दैट इज द पनिशमेंट। एक टीचर को पहचानता हूँ मैं। टीचर के साथ शादी करके आई पढ़ने जाऊँ क्या? नहीं, नहीं। फिर एमएलए की बेटी? फिजूल का एमएलए, आज रहेगा कल रहने का भरोसा है क्या? 10 लोगों की नजर मेरे पर होनी चाहिए, 100 लोगों में भी मेरी पहचान स्पेशल होनी चाहिए। ऐसा एक ही रिश्ता है, हमेशा तेरे पीछे लोग तालियां सीटियां। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले दो साले वो तेरे बदन पर मक्खी भी नहीं बैठने देंगे। अरे पोरी। अरे उस लड़की के हाथों में हमेशा पैसों की थाली रहेगी, और परिवार भी बड़ा है, सारा देश जानता है उन्हें, उनका कल्चर डिफरेंट है। और जरा भी फर्क आया ना तो तुम दोनों की बॉडी मांडवा बीच पर मिलेगी। मेरी मंगेतर को मेरी याद ही देना। मला किती हैरान केलंस रे मिशेल, रिसल वाजवा क्लास द्या। बंकाची तारिया मालूमा कमीनो, बीवी के हाथ में पैसों की थाली खनक रही है, कैसे तरह सुन कर रही है वो। आगे बढ़ा तो मुझे पकड़ने के लिए दो सोने जैसे साले, ऐसा लगता है दो सांड बैंड बजा रहे हैं। अरे मक्खी बैठ गई, इस बात को तुम भूल गए क्या? नंगे बदन पर इतने कोड़े मारूंगा तो मक्खी कहाँ से बैठेगी? सब कुछ सच बताकर आखिर तुम लोगों ने मेरी बैंड बजा ही डाली। Invited for my house owning party on. Sorry, Hindi. Grih Pravesh Nimantran. अशोक कमिश्नर जी वेलकम। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, घर बड़ा बढ़िया बनाया, आंखें नहीं ठहर रही हैं। थैंक यू। कुर्सी पे बैठिए ना। बाद में बैठूंगा। अरे तुम्हें वो चीफ मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं, तुम जाओ जाओ जाओ। नमस्ते कमिश्नर साहब, सुना आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फिर क्या समझ रखा है मेरे गोरे गांव में? हाँ वहीं पे 1997 में सीएम को भी मैंने कुर्सी पर बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। रोड के हिस्से में तूने अपना घर बनवाया, ऐसा कहकर तेरा घर तोड़वा दूंगा। भाग भाग। कुर्सी पर बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? मैं ना आ रहा हूँ। आपने बुलाया क्या? ए कमिश्नर साहब के लिए कुर्सी लेके आओ। कुर्सी मंगा रहे हो क्या? जिसे देखता हूँ कुर्सी 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 चिल्लाया जा रहा है इतनी देर से। कुर्सी पे बैठूंगा तो तेरा पिछवाड़ा फट जाएगा। उस छत्रपति को तुम कम समझते हो क्या? अरे छत्रपति आ गए। अरे बाबरे आ गया क्या? हाँ
नो नो एंट्री प्लीज। सब कुछ कमाने का रास्ता सिर्फ गुंडागर्दी और माफियागिरी नहीं है, मेहनत करके भी ऊपर आ सकते हैं, यही बताने के लिए बुलाया। क्या कहा था? अपनी माँ को महारानी की तरह देखेगा, सूरत दिखाने में भी शर्म आए, तुझे इतना नीचे गिरा दिया है। माँ के पास में मैं, और माँ कहकर पुकारने पर भी सुनाई न दे उतनी दूर तू। बेटा घर के अंदर मैं, और कुत्ता घर के बाहर तू। इस जन्म में तो तू माँ से दूर ही रहेगा। गेट आउट, आई से गेट आउट। बेटा संभाल कर, उसमें मेरी जान है। अशोक अंदर आओ बेटा, भैया का आशीर्वाद लो। मेरा बड़ा बेटा है, अशोक की भी जान है। अच्छा, बड़ा वाला शेर मारे खातिर एक भेड़िया जाल बिछाया, लेकिन उस शेर बच गया। शेर बाहर आके उबड़ुबक काका करेगा, पंजा से मार मार कर उसका चीरे डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट देकर उहे शेर भेड़िया को राजा बना दिया। दोनों में संबंध का है? वो तो कह रहा है उस तरह और सर के संबंध। हाँ, उस तरह और सिर का संबंध सुबह से पहले पता कर। सबसे आगे मैं रहूंगा ये वचन दिया था, उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। एक राज बिहारी क्या, पूरा बिहार भी आ जाए तो अंदर कदम नहीं रख सकता। आप लोग अंदर जाकर टेंडर भरो। तुम जीत गए छत्रपति, तुमरा हिम्मत देखकर हम तुमरा फैन हो गया हूं। कितना बदल गया हूं पता है? हम सुने हैं कि एको कुत्ता तुमको घर बुला के तुमरी बेइज्जती किया है। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी से उसको जान से मारने को तड़प रहा हूं। यही खातिर उसका सेटिंग कर माँ और बेटा दोनों काली मंदिर गया है। सेटिंग के मुताबिक ठीक 11 बजे बम फटेगा। अरे सरऊ, हम बिहार का शेर हूँ, शिकार पर निकला हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा। तुम सब आओ रे। अरे छत्रपति, काली मंदिर कहा था ना, गलती हो गई, राम मंदिर है। दिखाई दिए क्या? नहीं दिखाई दिए। हेलो। अरे भाई, काली मंदिर राम मंदिर लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है। सोचने दो, महालक्ष्मी मंदिर, ये तो एकदम में पक्का है। अब तो 5 मिनट बचा है। पूजा करिष्ये। ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमः, ओम शंकराय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः।
माँ। हाँ? रास बिहारी जी प्रणाम। नमस्ते। इन्हीं की वजह से सारे टेंडर हमें मिले हैं। ये मेरे शुभचिंतक ही नहीं बड़े भाई हैं, और आपके लिए बड़े बेटे की तरह है। हमरा क्या आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, अब तुम्हारे फिर से दो बेटे हो गए हैं माँ। अशोक बिहारी कंस्ट्रक्शन अब नंबर वन कंपनी हो जाएगी माँ। खुशी हुई बेटा, 10 लोगों को रोटी मिलनी चाहिए। किसी से दुश्मनी मोल मत लेना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, कौनो डर नहीं है। तलवार जैसन भाई और कवच जैसन माई हमारे साथ हैं। तक एकरा में दम है हमरा से टक्कर लेवे के। ओ छत्रपति, आज यहाँ कैसे? खुद का बंगला और प्रॉपर्टी मेहनत करके हासिल किया, इतना काफी नहीं? फिर उस राज बिहारी से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? हाँ? तुम्हें काम के लाले पड़ गए हैं क्या? तो मुझे क्या? मेरे लिए नहीं, जनता के लिए। अभी अभी उन्हें होशियार मिले, वो मर जाएंगे। तो मरने दो, उस जनता में मैं नहीं हूँ ना। तुम उसको जानते नहीं हो। माँ को बीच में रखकर वो तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। अगर उससे दुश्मनी की तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। वो माँ को मार देगा। मारने दो, मरने वाली मेरी माँ है, तेरी नहीं। माँ की खुशी के लिए तेरी नौटंकी बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर तेरी वजह से माँ को कुछ हुआ, माँ को लेकर आओ रे। इलेक्ट्रिक मैस लगा दो, जो जरूरी है वो सब करो। मुझे 24 घंटे सिक्योरिटी चाहिए। जाओ इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लेके। मेरे बारे में तुम्हें पूरी तरह पता नहीं है। मुझे लोकल एमएलए जानता है, एमपी जानता है, सेंट्रल मिनिस्टर जानता है, गवर्नर जानता। फिर से टकला करूं क्या? माँ को जरा सी आंच भी नहीं आनी चाहिए। हर मिनट अलर्ट रहना। हाँ हाँ। फिर से वो रास। तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं बेटा। हमें यहाँ जबरदस्ती से क्यों लाए हो, जान सकती हूँ मैं? मेरे बेटे की तरक्की अगर तुम्हें पसंद नहीं तो ये जायदाद तुम ले लो बेटा, लेकिन उसे छोड़ दो। दूर गांव से आए थे हम। तुम चाहते हो कि हम यहाँ नहीं रहे तो हम तुम्हें कभी नजर नहीं आएंगे। बेटा, भगवान ने मेरा एक बेटा छीन लिया और दूसरे का दर्द पी जाओ, इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। मेरे दूसरे बेटे को मुझसे अलग कर दोगे तो ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बेटा, मुझसे मेरे बेटे को अलग मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नो माताओं, बहनों, मेरे कल आपको पसंद आए तो एक माँ को 4 आने, एक बाप को 8 आने और एक मारने वाले के लिए 1 रुपया दो। इन हरामी की औलादों को मुझे ही पालना पड़ता है। वाजवा 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 वाजवा। ये हमारी सास की फैमिली में कौन नया बंदर आ गया? ये तो मेरी पार्टी का नहीं है। हाँ, ये कौन है? हेलो, एक भी कदम आगे बढ़ा तो बिल्डिंग के साथ सबके सब जाओगे। माँ को हाँ कहकर आया हूँ, बटन दबाते ही सब वहाँ हो जाएंगे। ए, कर नीचे करो, नीचे करो। बुलाओ तुम्हारे छत्रपति को, मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ मौत क्या चीज होती है। मैं दिखाता हूँ उसे, बुलाओ उसे। क्या है वो? बुलाओ छत्रपति को। ये ऊपर तक कैसे आ गया? अरे वो वहाँ। सब अलग अलग रास्तों से उसे घेर लो, वो शहर से बाहर न जाने पाए। अपना जान दे के भी माँ जी के जान बचावे के है तुमको। ठीक है भैया। आइए माँ जी। जाओ माँ। आइए ना। ठीक है। थैंक यू ब्रदर, सही समय पर बचा लिया। Hey,
फैक्ट्रिया को चारों तरफ से घेर लो, कहीं से भी आए तो उसको खत्म कर दो, जल्दी जाओ। भेड़िये की तरह छुपकर वार करता है। भेड़िये की तरह नहीं, शेर, घायल शेर की तरह ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। घायल शेर को पकड़ने के लिए बकरी का गला काट के खाना परोसना पड़ता है, ताकि वो खून को सूंघते सूंघते खुदे सामने आ जाए और उसके बाद निशाना लगाए तो इक्के वार में मर जाए। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मारना होगा। लेकिन खाना कहाँ है, मतलब बकरी? बकरी? अरे बुड़बक, वो बकरी तू है। राज बिहारी, ये क्या, हम दोनों भाई है ना? बुड़बक, हम तोहरे मैया के पेट से पैदा हुए थे, जे तू हमारा भाई होगा ससुर का नाते। तुम राव काते का है हमारा सामने, वो छत्रपतिया तुमको कॉन्ट्रैक्ट देकर करोड़पति बनाया तुमको, उसका कमजोरी का पता लगाया तो पता चला कि तुम दोनों के बीच भाई का रिश्ता है। हमको तुम्हारा का जरूरत, तू कोनो अवतार पुरुष है और तेरी मैया यशोदा है का? साला, अब वो शेर सामने आएगा। डालो इसको। हम देखा थे अम्मा, चल रहे।
मिला? हा? बोलो, कहीं मिला क्या? ये चोरी की तुमने? झूठ मत बोलना, मेरी कसम खा के बोलो, तुम्हें मेरी कसम। कसमें टूट सकती है लेकिन शिवा का वादा नहीं टूट सकता। कसमें टूट सकती है मगर शिवाजी का वादा नहीं। शिवा बेटा, हे भगवान, कितनी बड़ी गलती की मैंने, इन हाथों से तुम पर गोली चलाई मैंने। नहीं मां, ऐसा मत कहो। तुम जिंदा हो फिर भी मैंने क्रिया कर्म किया बेटा, तुम्हें मर जाना चाहिए ऐसा श्राप दिया मैंने। मैं बहुत बहुत बदनसीब हूँ। उठ बेटा, उठ, तुम्हें जिंदा रहना होगा वरना माँ सब मर जाएगा बेटा, मर जाएगा। उठ बेटा। माँ नींद आ रही है, माँ तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। रासबिहारी को मारेगा, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उठ के दिखा, उठने का ताकत नहीं है कहा? अब तुम्हारी मैया को मारूंगा तब उठेगा कहा? सज्जन भैया, लड़के के बारे में आपको पता ही है, लड़की अगर इसके मुताबिक है तो ही हम जाएंगे। बहन, तुम्हें कैसी बहू चाहिए मुझे क्या पता। चाचा, नीलू जैसी शरारती लड़की है तो मैं नहीं मानूंगा, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अरे नहीं नहीं, नीलू और उस लड़की में बहुत अंतर है, आपने एक बार देखा तो ना नहीं कह सकोगे। चलो। मुझसे भी अच्छी है क्या? क्या है ये सब? सगाई? किसका प्लान है ये? माँ का। मतलब माँ कहेगी तो उसके पीछे ही चले जाओगे तुम? हाँ, मार डालूंगी। अरे अरे, ये क्या है बेटी, सगाई बड़े बेटे की नहीं छोटे बेटे की है। ऐसा क्या? अरे भाभी शर्मा रही है।